मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए प्रदेश सरकार एक ऐसी स्वर्णिम योजना लेकर आई है। इस योजना से न सिर्फ बेरोजगारी दूर होगी बल्कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ तक कि जब जो युवा रोजगार सीख चुके होंगे, रोजगार का प्रशिक्षण पा चुके होंगे, उन्हें बाद में उसी जो उनका अनुभव है उनको रोजगार देने में सहायक सिद्ध होगा। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जहां मुख्यमंत्री की मंशा है कि लर्न एंड अर्न। तो हमारे साथ खंडवा शहर के युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है। हम इन्हीं युवाओं से जानेंगे कि इस योजना को लेकर के क्या कहते हैं खंडवा के युवा। भाई साहब, सबसे पहले आपका परिचय, क्या नाम है आपका, और जो मुख्यमंत्री जी की योजना है इस योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? मेरा नाम धीरज शर्मा है। मुख्यमंत्री जी की सीखो कमाओ योजना मैंने जब देखा, पूर्व में भी सब योजनाएं कौशल विकास के लिए चली है, लेकिन ऐसा मेरा पहला अनुभव रहा है कि जिसमें सीखने के साथ साथ अर्निंग भी व्यक्ति की हो रही है। और कोविड के बाद से जिस प्रकार बेरोजगारी एक हद तक बढ़ी है, उसको कम करने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना को हमारे माननीय शिवराज जी ने लाया है और युवाओं की चिंता करी है, इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद, आभार देता हूँ। और हमारे खंडवा शहर में भी लगभग 1500 लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। भविष्य में ये योजना बिल्कुल कौशल विकास और बेरोजगारी को खत्म करने की ओर एक सरकार का महत्वाकांक्षी कदम है और इससे युवाओं को पूर्ण फायदा होगा, यही हमको आशा है। इस योजना से युवा को फायदा होगा, लेकिन युवा क्या कहते हैं ये बताइए, इससे ये योजना से क्या फायदा मिलेगा आपको? ये योजना से फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो बेरोजगार युवा कॉलेज खत्म ग्रेजुएशन करने के बाद में आते हैं, उन लोगों को मतलब धीरे से एक स्किल सीखने का मौका मिलेगा, जैसे कंप्यूटर क्षेत्र हो जाए या कृषि संबंधी क्षेत्र हो जाए या कौन उनका व्यवसाय शुरू करना हो उस क्षेत्र के अंदर प्रशिक्षण लेके ये अपना व्यापार या कृषि या कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर रोजगार पा सकते हैं। और सीखो कमाओ योजना वाकई में बहुत शानदार योजना है। इसके तहत युवाओं को सीखने के साथ साथ में एक सैलरी के रूप में कुछ वेतन भी मिल रहा है और आगे उनको रोजगार के माध्यम भी खुल रहे हैं। जैसा एक मेरा उदाहरण ले लो, मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए के लोन से अपना व्यवसाय शुरू किया था। उससे पहले एक मैंने प्रशिक्षण लिया था, जिला उद्योग कार्यालय का प्रशिक्षण हुआ था व्यवसाय के लिए। उसके बाद में मेरे को 5 लाख का लोन मिला और मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। आज लगभग उस योजना को लिए हुए मेरे को 4 साल हो गए। आज हमारे पास में लगभग 10 बच्चों की टीम काम कर रही है, उनको सभी को रोजगार। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे पास में जितने योजना अपने युवा है कॉलेज वाले, उन सभी को बैंकों के माध्यम से हम जानकारी दें और उनको रोजगार दिलवाते रहे, तो ऐसा हम आगे करते रहे। आपका परिचय दीजिए। मैं प्रांजल मोरे। प्रांजल जी ने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा है कि इन्होंने सीखने के बाद जब इस योजना का लाभ लिया, योजना का लाभ लेने के साथ साथ जो है इन्होंने दूसरे युवाओं को भी रोजगार दिया है। यहाँ और भी युवा हमारे साथ हैं, हम क्योंकि ये बड़ी अच्छी योजना है। इस योजना में ये बताइए, अभी तक की कई योजनाएं ऐसी आती थी, जैसे मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर सेंटर जाते हैं, सीखने के लिए पैसे देने पड़ते थे ना? पहले देने पड़ते थे, अब कुछ नहीं देना पड़ता है। अब तो उल्टा पैसा मिलेगा। मिलेगा उल्टा। उल्टा पैसा मिलेगा, सीखने के पैसे नहीं देने होंगे। अब सरकार जो है खुद सिखाएगी, सिखाने के साथ साथ पैसा भी देगी और ये जो सीख रहेगी ये युवाओं को आगे भविष्य में काम आएगी। क्या कहना है आपका भाई साहब? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया योजना है। इससे पहले भी बहुत सारी योजना, कौशल विकास योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, और ये बहुत अच्छी योजना है। इससे जो हमारा बेरोजगार युवा है वो आगे बढ़ेंगे, सीखने के बाद उनको और डेवलप होगा और वो बेरोजगारी उनकी दूर हटेगी। और जो मुख्यमंत्री जी ने सैलरी रखी 8000 से 10000 के बीच में, तो युवाओं को जो 12वीं से लेकर जो ग्रेजुएट हुए हैं वो बेचारे जो बेरोजगार हैं आज, जो जिन्हों को रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, बेचारे भटक रहे हैं जॉब के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। और मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े युवा, बेरोजगार से दूर हटें और मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे युवा बेरोजगार हैं वो आगे उस कौशल के साथ आगे बढ़ें। और यही मेरी मनोकामना, मध्य प्रदेश के युवा कौशल के साथ आगे बढ़े और यही युवा जो है अब प्रदेश का जो है एक ऐसा भविष्य बने, युवा बेरोजगार नहीं रहे, युवाओं के पास में काम हो, न सिर्फ खुद के पास काम हो बल्कि वे दूसरों को भी काम दे सके। मुख्यमंत्री जी की जो इस योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया योजना है। इससे क्या है, जो भारत देश में जितने भी है बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, युवा वर्ग अच्छा है, कुछ काम करेंगे तो फालतू चीज़ों में नहीं जाएंगे और अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। इन्होंने कहा है कि युवा वर्ग की जो एनर्जी है उसका पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसकी एनर्जी का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की ये योजना जो है युवाओं की एनर्जी का पॉजिटिव इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है।
साथ ही हमारे साथ कुछ और भी साथी मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी ने जो सीखो कमाओ योजना अभी हाल ही में जो है लॉन्च की है, इस योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं। उन्होंने जो योजना निकाली है उससे जो अपने बेरोजगार जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा थे, सबसे पहले उन्होंने एक उत्साह आया है। पहले क्या था, काम सीखने जाओ पैसे दो। अभी क्या है, शिवराज जी जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी है अपने को पैसा दे रहे हैं, उससे लाभ ये हो रहा है कि काम सीख भी रहे, पैसा भी घर गृहस्थी में पैसा भी दे पा रहे हैं। तो इससे घर में उत्साह का भी वो है, और मामा जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और भी बहुत सारी योजना है, घर में लाडली बहना योजना भी करी है और सीखो कमाओ योजना से युवा बहुत जोश में है कि आगे कुछ बढ़ने का उत्साह उनमें प्रेरित हो रहा है, तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो चलिए, हमने यहाँ खंडवा के युवाओं से बात की है, खंडवा के युवा जो है मुख्यमंत्री जी की इस योजना को लेकर बहुत खुश है और वे बार बार मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो सीखो कमाओ योजना प्रदेश के युवाओं के लिए शुरुआत की गई है, बहुत ही अच्छी योजना है और इससे युवा वर्ग में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कैमरामैन रियासत खान के साथ अनंत महेश्वरी, खंडवा।